वुमेन तो वोमेनो कौन होते हैं तो वुमेन वोमेनोर सिंपल सा है कि मीन ए पर्सन हु इज फीमेल एंड हु हैज स्टार्टेड हुज स्टार्टेडनेस ऑफर ऑन यानी कि कोई ऐसी फीमेल पर्सन जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करती है खुद ही रिस्क लेके स्टार्ट करती है तो उसको हम क्या है? कहते हैं वुमेन आंतरपेनोर कहते हैं वुमेन आंतरपेनो मे बी डिफाइंड एज द वुमेन और ए ग्रुप ऑफ वुमेन हु इनिशिएट ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ऑपरेटिव बिजनेस इंटरप्राइज यानी कि ऐसे वुमेन या ग्रुप ऑफ वुमेन जो इनिशिएट करती हैं ऑर्गेनाइज़ करती हैं और किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज को ऑपरेट करती हैं तो उनको क्या कहते हैं वुमेन आंतप्रोह कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड वुमेन आंप्रो एज एन ए इंटरप्राइज ऑन एंड कंट्रोल बाय वुमेन हैविंग अ मिनिमम फिनांशियलियल इंटरेस्ट ऑफ फिफ्टी ऑफ द कैपिटल एंड गिविंग एटलीस्ट फिफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द इंटरप्राइज टू वुमेन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे इंटरप्राइज को वुमेन एंटरप्राइज कहती है या वुमेन आंप्रोह कहती है जिस इंटरप्राइज में फिफ्टी कैपिटल जो है वो वुमेन द्वारा ऑन किया जाता है और जो उस एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉयमेंट होता है एंप्लॉय होते हैं फिफ्टी वन परसेंट फीमेल्स यानी वुमेस ही होती हैं तो ऐसे इंटरप्राइज को वुमेन इंटरप्राइज कहा जाता है तो क्या है फीचर्स वुमेन आंतरपिनोस का तो इमेजिनेशन वुमेन्स के पास इमेजिनेशन की कैपेसिटी होती है पावर होता है ओपनेस टू फीडबैक एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ये लोग ओपन होते हैं फीडबैक के लिए और एक्सपीरियंस से सीखने के लिए एट्रीब्यूट टू हार्ड वर्क इनके पास हार्ड वर्क करने के लिए एट्रीब्यूट वर्क करने के लिए तैयार होते हैं स्ट्रेस टेकर ये स्ट्रेस भी डील कर सकते हैं स्ट्रेस ले सकते हैं एबिलिटी टू एंड डिजायर टू टेक रिस्क इनके अंदर एबिलिटी होती है और इच्छा होती है कि ये रिस्क ले सकें वुमेन आंतरपिनोस के अंदर टाइम ओरिएटेशन ये टाइम में काम को कंप्लीट करने के लिए ओरिएटेड होते हैं फ्लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी ये कि आ, भी होते हैं ऐसा नहीं कि रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हमें यही इस टाइम पे ही करना है नहीं ये फ्लेक्सिबल होते हैं किसी भी टाइम पे कोई भी काम कर सकते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल इनके अंदर जो वुमेन अंतर्न उनके अंदर बिजनेस की कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है एनाटिकल एबिलिटी ऑफ माइंड ये थिंकिंग कैपेसिटी और रीजनिंग कैपेसिटी भी इनके अंदर होती है लीडरशिप क्वालिटी भी होती है वुमेन आंटेपिनोर के अंदर और डिटेमिनेशन यानी अपने काम को लेकर डिटरमाइन होते हैं वुमेन आंतरप्रेनोर तो ये कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं फीचर्स हैं वुमेन आंतप्रोर की कोई भी वुमेन आंतप्रेन होगी तो इसके अंदर ये कैरेक्ट्रिस्टिक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम बात कर लें कि टाइप ऑफ वुमेन आंतर कितने टाइप की होती है मतलब क्यों वो वुमेन जो है आंतप्रनोर बनती हैं तो एक होता है एफ्लुएंट आंथिपिनोर यानी कि ये किसी की डॉटर हैं डॉटर इन लॉ है वाइफ हैं ऑफ रिस्क बिजनेस फैमिली जाने की ऑलरेडी इनके फैमिली क्या है वो बिजनेसमैन है उनकी डॉटर्स हो सकती, सकती है डॉटर इन लॉ हो सकती है वाइफ हो सकती हैं तो वो उनको ऐसे टाइप को क्या को कहते हैं कहते हैं उसी तरीके से जब कोई वुमेन किसी असाइनमेंट के लिए कोई इंटरप्राइज या चैलेंज लेती है तो उसको हम पुल फैक्टर कहते हैं वुमेन टेक अप सम असाइनमेंट और इंटरप्राइज एज अ चैलेंज यानी कि वो चैलेंज के रूप में उसको एक्सेप्ट करती है इंटरप्राइज ओपन करती है असाइनमेंट को लेती है रिस्पांसिबिलिटी है असाइनमेंट्स की तो उसको हम पुल फैक्टर आंतपिनों कहते हैं पुश फैक्टर आंत भी होती है पुश फैक्टर वुमेन आंतपिन वुमेन टेक अप सम बिजनेस एक्टिविटी ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज पुश मीन धक्का देना यानी कि उनको फाइनेशियल डिफिकल्टीज थी तो जिसके लिए उन्होंने इंटरप्राइज ओपन किया रिस्क लिया इंटरप्राइज ओपन किया तो ऐसे ही वुमन आंत को क्या कहते हैं पुश फैक्टर वुमेन आंतपिन

तो एरियाज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन वुमुन यानी कि वुमेन अंतरप्रीनर के लिए कौन कौन से एरिया जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं जैसे कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी पार्लर्स में अंतरप्रनोरशिप कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट गारमेंट एंड टेक्सटाइल आइटम्स बनाने में अंतर्रीनोशिप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं थ्री पीस पिकल पाउडर एंड पापड़ ये तीनों पीस जो है रूरल अंतरप्रेनोर में खासकर होता है तो रूरल अंतर्रेनर जो भी वुमेन आंप्रोनर होती हैं वो पिकल पाउडर या पापड़ बनाने का भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का बिजनेस कर सकते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज की बिजनेस कर सकते हैं इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस कर सकती हैं मेडिकल मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज का भी जो है बिजनेस कर सकती हैं नर्सरी एंड क्रिचेज ओपन कर सकते हैं इंजीनियरिंग गुड्स गुड्स को बना सकती हैं, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे वुमेन आंध्रप्र के पास होती हैं। अब बात कर लें कि क्या प्रॉब्लम्स है जो कि वुमेन आंतरप्रो फेस की जाती है तो वुमेन आंट्रप्रेनर्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता जितना कि मेल में होता उतना वुमेन में कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो इसकी वजह से भी वो आंट्रप्रिनरशिप नहीं परफॉर्म कर पाती हैं लीगल स्टेचरी एंड प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं जैसे दौड़ भाग करना पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए तो वो इनसे नहीं हो पाता तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये कंस्टेंट है जिसकी वजह से बहुत सारी वुमेन्स आंट्रप्रेनरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती हैं प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मार्केटिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की उसके रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसकी वजह से भी आंतरमशिप परफॉर्म नहीं हो पाता है वुमेंस द्वारा डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉब्लम आती है वुमेंस के साइड से इन एडिकुएट वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग यानी कि वुमेन्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए तो उसके जैसे भी आंट्रप्रीनरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती वुमेंस ऑपरेशनल प्रॉब्लम यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिसमें वुमैन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट या डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती है. तो उस केस में भी ये क्या है एक प्रॉब्लम हो जाती है वुमेन आंट्रप्रेनोर के लिए लैक ऑफ मैनेजमेंट इनपुट मैनेजमेंट इनपुट की कमी होने की वजह से भी अंतर्प्रेनरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती वुमेंस अपडेशन और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो भी टेक्निकल चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं उसके बारे में अपडेट नहीं होने का भी एक रीज़न है कि वुमेन आंट्रप्रेनोर अंतरप्रीनरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती हैं कल्चरल बैरियर्स भी बहुत सारे होते हैं कि हमारे यहाँ पे वुमेंस जो है इंटरप्राइज या बिजनेस या जॉब नहीं कर सकती हैं एजुकेशनल बैरियर नॉर्मली देखा भी जाता है कि मेन्स आर मोर एजुकेटेड देन वुमेंस तो जो है इस वजह से भी एक ये प्रॉब्लम है कि वुमेन आंटर वुमेन जो है वो आंतपिनोर परफॉर्म नहीं कर पाती एंट्रप्रेनोरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती है अब हम बात कर लें दूसरे टाइप सोशल आंटप्रेनोरशिप तो सोशल आंतर क्या होता है तो सोशल आंट्रनोरशिप इज ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग एंड द सोशल प्रॉब्लम एंड अचीविंग ए सोशल चेंज बाई एम्प्लॉइंग आंटप्रनोरियल प्रिंसिपल प्रोसेस एंड ऑपरेशन यानी कि वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हम किसी सोशल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं एंटरप्रेन्योर प्रिंसिपल प्रोसेस ऑपरेशन का यूज़ करके तो ए पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु फाउंड और लीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव इंगेज इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उसको क्या कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसी आ, आ, जो ऐसी क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करता है लीड करता है जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी परफॉर्म करती है यानी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है उसको हम क्या कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं दे आर ऑलसो कॉल्ड समटाइम्स पब्लिक एंटरप्रेन्योर सिविक का और सोशल इनोवेटर तो हम सोशल आंटरशिप परफॉर्म करने वाले पर्सन को पब्लिक आंतरप्रनोर भी कहते हैं सीबिक आंतर या फिर सोशल इनोवेटर भी कहते हैं हम बात कर लें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी जो सोशल अंतरप्रेनर द्वारा परफॉर्म की जाती है तो अकॉर्डिंग टू आर्थर सी ब्रुक्स फॉलोइंग आर दी एक्टिविटीज दैट इज परफॉर्म बाय सोशल अंतरप्रेनोर तो आर्थर सी ब्रुक ने फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है सोशल एंट्रप्रनोर के जैसे कि एडॉप्शन ऑफ ए मिशन टू क्रिएट एंड सस्टेन सोशल वैल्यू बियंड पर्सनल वैल्यू यानी कि सोशल वैल्यू को अडॉप्ट करना और उसको क्रिएट करना ही और उसको सस्टेन करना ही क्या है सोशल uh, अंथपिन की एक्टिविटी है रिकोगनाइज रिकोगनीशन एंड रिलेंटनेस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल वैल्यू सोशल वैल्यू को रिकोगनाइज़ करना और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना क्या है एक्टिविटीज़ है सोशल अंतरों का इंगेजमेंट इन कंटिन्यूस इनोवेशन लर्निंग कंटिन्यूस इनोवेशन और लर्निंग में इन्वॉल्व होना सोशल अंतर का एक्टिविटी है एक्शन बियॉन्ड द लिमिटेड रिसोर्स एट हैंड यानी कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैंड में होते हैं उसके बियॉन्ड जाके एक्शन परफॉर्म करना सोशल अंतर का एक्टिविटी के अंदर आता हाइट एंड सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सेंस भी है वो सोशल आंट्रप्रेन के अंदर होती है सस्टेनेबिलिटी इस सोशल आंट्रप्रेन नहीं कि सोशल आंट्रप्रेनोर्स वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाते हैं मार्केट में सोसाइटी में तो फंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की फंडिंग नहीं होती उनके पास जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास कम्युनिकेटिंग वैल्यू ऑब्जेक्टिव जो उनकी वैल्यू ऑब्जेक्टिव मॉरल जो आ, कॉमर्सियल वैल्यू होता है उससे कम होती है इनकी सोशल आंप्रपन की वैल्यू तो उसको कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते इस चीज़ें लॉन्ग टर्म फोकस जो है वो पुअर होती है रिमेनिंग ट्रू टू द मिशन यानी कि जो मिशन है उसमें हमेशा सच्चाई से बने रहना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है लोग आजकल एन ओपन करके प्रॉफिट मेकिंग कंपनी शुरू कर देते हैं तो जो उनका ट्रू मिशन था वो से डाइवर्ट हो जाते हैं अब तो हम बात करें कि रूरल आंट्रप्रनरशिप क्या होता है तो इट इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट सर्व्स और क्रिएट ए न्यू मार्केट और यूटिलाइजेज ए न्यू टेक्नोलॉजी इन रूरल इन्वायमेंट यानी कि कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना जहाँ पे नया प्रोडक्ट या जो है हम नया मार्केट ओपन करते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं रूरल इन्वामेंट में रूरल इन्वामेंट के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं रूरल आंट्रप्रनोरिप कहते हैं रूरल आंट्रप्रनरशिप इज आंट्रप्रनोरशिप दैट इमर्ज इन द लोकल रूरल एरिया इन द फील्ड ऑफ रूरल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट तो रूरल आंट्रप्रेनोरशिप वो आंट्रप्रेनोरशिप है जो कि लोकल रूरल एरिया में आ, जो है वो इमर्ज होती है दिखती है बढ़ती है रूरल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में तो क्या करेक्ट्रिस्टिक्स हैं इसकी तो एविडेंट नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग लैंड वाटर मिनरल एंड सोलर पावर और आल्सो विंड पावर तो रूरल एरियाज़ में आपको नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं लैंड वाटर मिनरल सोलर पावर विंड पावर आसानी से आपको रूरल एरियाज में मिल जाते हैं लैंड इज़ इजली अवेलेबल एट रिलेटिवली मच लोअर प्राइसेज रूरल एरियाज में जो लैंड है वो इजली लोअर प्राइसेज में अवेलेबल होती हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबल पार्टिकुलरली ऑफ सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड टाइप इज इजी एट लोअर वेजेस रेट तो रूरल आपको सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जो लेबर हैं वो आपको लोअर वेजेस रेट में मिल जाते हैं रूरल इन्वायमेंट इज फ्री ऑफ पॉल्यूशन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होता है रूरल एरिया और टैक्स बर्डन इन रूरल एरिया इज लो टैक्स बर्डन जो है कंपनीज के ऊपर इंटरप्राइज के वो लो होता है रूलर एरियाज में विच इंक्रीज कम्पिटेटिव स्टेंस ऑफ रूरल इंडस्ट्री उसकी वजह से रूरल इंडस्ट्री की कम्पिटेंसिवि जो है वो इंक्रीज होती है गवर्मेंट एक्सटेंस इनकेजमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्राइजेशन बाई फ्री और लो प्राइस सप्लाई ऑफ लैंड पावर वाटर एंड टैक्स कंसन यानी गोविम गवर्नमेंट भी जो है इन सब में फ्री करके सपोर्ट करती है रूरल इंडस्ट्रीज को तो ये कररेक्ट्रिस्टिक्स एक क्वेश्चन तो प्रॉब्लम्स क्या है तो जैसे टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स होते हैं टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी जो है वो रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पाती है लिमिट्स ऑन कैपिटल मोबिलाइजेशन कैपिटल मोबिलाइजेशन जो है वो रूरल एरियाज में नहीं हो पाता है शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर, स्किल लेबर की शॉर्टेज होती है रूरल एरियाज में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरियाज़ में नहीं होती हैं एबसेंस ऑफ इंडस्ट्रियल मोटिवेशन इंडस्ट्रियल मोटिवेशन भी रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाता है इंफॉर्मेशन लैक ऑफ़ इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुअर होती है रूरल एरियाज़ में ट्रेडिशन बाउंड कल्चर होता है रूरल एरियाज़ में रेगोलेशन एंड गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि रूरल आंध्र प्रदेश फेस करते हैं तो अल्ट्रापिनोर कौन होते हैं तो अल्ट्रापिनोर एंड आंतर हु डज मेनी थिंग्स यानी कि एक समय में ये कई सारी चीजें करते हैं कई प्रॉफिट अर्निंग जो है बिजनेस करते हैं एक साथ तो उनको अल्ट्रापिनोर कहते हैं अल्ट्रापिनोर इज समन हैज़ मेनी प्रॉफिट जनरेटिंग परस्यूट एट वंस यानी कि एक साथ बहुत सारे प्रॉफिट जनरेटिंग परस्यूट जो ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटीज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं अल्ट्रापिनोर नेक्स्ट है को प्रीनियोर तो को प्रीनोर और आंतप्रोडेड कपल्स हु वर्क टुगेदर एज को ऑनर ऑफ देयर बिजनेस यानी कि जब दो लोग मिलकर जो है एक साथ कोई नया इंटरप्राइज ओपन

अपने स्किल्स को यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट या नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करे तो उसको हम क्या कहते हैं इंटरप्रीनोर कहते हैं कॉर्पोरेट भी कहते हैं ए फैमिली बिजनेस क्या होता है तो अ फैमिली बिजनेस इज ए कॉमर्शियल डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल जनरेशन ऑफ फैमिली रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन यानी कि ऐसा बिजनेस जो कि कंटिन्यूस कई जनरेशन से एक ही फैमिली के कई जनरेशन उसको ऑन करती आ रही है उसको चलाते आ रही है इस टाइप के बिजनेस को हम क्या कहते हैं फैमिली बिजनेस कहते हैं